हेलो एवरीवन, इट्स कृतिक हियर फ्रॉम आईटी रेडिस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है और किस तरह से हमें जॉब मिलेगी आईटी में, भले हम आईटी में डिग्री हो या ना हो, या फिर हमें स्किल्स आती हो या सीखना आते हो, क्योंकि अगर नहीं आती तो नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है और सही में आईटी में जॉब चाहिए, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आपको जॉब मिल जाएगा। तो देखो भाई, ऐसा है कि अगर आपको स्किल्स आती है तो डेफिनेटली जॉब मिलने वाली आपको, और अगर सीखना है तो पहले सीख लो, उसके बाद जॉब मिलेगी। अगर नहीं सीखना भाई, सिर्फ जॉब चाहिए, तो भाई नहीं मिलेगी यार, कुछ भी करो नहीं मिलेगी। वो ज़्यादा से क्या मिलेगा आपको, टेस्टर वेस्टर पर तो वो मिल जाएगा, डेवलपर में तो नहीं मिलेगा यार। तो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको स्किल सीखनी है, जो भी आप सीखना चाहते हो। बैकएंड में जाना है तो एपीआई डेवलपमेंट से लेकर आपको कैसे चीज़ें, लॉजिक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, वो सब आना चाहिए। एंड आजकल के टाइम में मोस्टली लोग माइक्रो सर्विस में जा रहे हैं, तो बैकएंड वाले हो तो जावा एंड ये सब उसके बाद आते हैं, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो बूटस्ट्रैप सीख लो, जेक्वेरी सीख लो, जॉब के लिए अप्लाई करना चालू कर दो यार। ये सब सीखने के बाद एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकते हो, तो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन बेयर मिनिमम में इतना अगर आपको आता है तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी कोई भी एजेंसी में। लाइक अच्छे खासे पोर्टफोलियो बनाओ पहले, तो उससे आते हैं थोड़े में कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, बट क्या क्या होना चाहिए, बट ये सब स्किल के बारे में बात करते पहले। तो ये बेयर मिनिमम में अगर आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो देन अगर आपको थोड़ा अच्छे जगह पे जॉब चाहिए तो रिएक्ट आ जाए, तो रिएक्ट अगर आता है तो अच्छे अच्छे जगह पे जॉब मिल सकती है। लोग एंगुलर और व्यू को प्रीफर करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा रिएक्ट पे जॉब की। रिएक्ट पे जॉब बढ़ते जा रही है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिएक्ट प्रीफर कर रहे हैं अभी, क्योंकि डेवलपर्स को रिएक्ट आता है, रिएक्ट सही में आगे जल्दी बढ़ रहा है, तो वो सही है। देन अगर और एडवांस जाना है तो रिएक्ट के साथ साथ उसके बाकी के फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि रिएक्ट मतलब है, रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें रिडक्स हो गया एंड रिएक्ट रिडक्स हो गया एंड बहुत सारे यूआई लाइब्रेरीज हो गए, मटेरियल यूआई, ये सब। तो ये सब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप रिएक्ट, आपको रिएक्ट आ गया, उसकी प्रॉपर कैट करने आ रही है, तो सब एक दो दिन में सीख जाओगे बाकी के सब चीज़ें। तो मतलब एक हर एक चीज़ के लिए एक या दो दिन बाकी तो ठीक है। देन नेक्स्ट फ्रेमवर्क है रिएक्ट पे, वो भी है। अब रिएक्ट पे क्या क्या आना चाहिए आपको, एक चीज़ें बनाने से लेके चीज़ें डिप्लॉय करने तक आपको सब कुछ आना चाहिए। हाउ टू लाइक बिल्ड क्रिएट करके कैसे डालना है किधर, या फिर नेटिफाई पे ही कैसे अपलोड करना है, गेटअप पे कैसे आना चाहिए, ये सब गेटअप तो आना ही चाहिए भाई। अगर आज आप नॉर्मल चीज़ें काम कर रहे हो या फिर रिएक्ट पे कर रहे हो, तो ये सब कुछ स्किल आना चाहिए। आपको लग रहा रहेगा बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल गया भाई इसमें, हाँ क्या करें, चार लोग ऐसे ही मांगते हैं और लोग छाड़ देते नहीं तो कोई है होगा, अगर आपको चीज़ें बेयर मिनिमम आती है तो कोई ना कोई तो होगा जो आपको वर्क दे दे। एंड डेफिनेटली अप्लाई करना छोड़ो मत कि क्या सबको चाहिए, और अगर आता है तो क्यों मिस करना चीज़ें आपको, अपने अपॉर्चुनिटी अप्लाई करो, छोड़ दो भाई उन पर, छोड़ दो कि भाई तेरे को लेना है नहीं लेना है, इंटरव्यू के लिए देना है नहीं लेना है, और तू देख लो, मैं तो अप्लाई करेगा, मेरा काम अप्लाई करना है। तो अप्लाई करो हर जगह, जो भी जगह पसंद आ रही है सब जगह अप्लाई करो। एंड अगर नॉन आईटी से हो तो हम लोगों को ज़्यादा भाई मेहनत करनी है, जो आईटी वाले हैं वो तो ठीक है से निकल जाएंगे, उनकी डिग्री भी है, उनको एक बार जॉब के लिए ये भी आ जाएगा, बट हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो हमें सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब बात करते हैं कैसे, मैं किस चीज़ में करनी है, स्किल तो सीख लोगे,
स्किल लगे यूट्यूब पे सीख लोगे, इंडी पे से सीख लोगे, किधर से भी सीख लो, रिकॉर्ड कैंप बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से सीख लो। सर्टिफिकेट जमा करो भाई, सर्टिफिकेट मतलब ऐसे सर्टिफिकेट मत जमा करो कि सर्टिफिकेट ही जमा करते रहोगे, बट जो सीख रहे हो ना उसका बस एक प्रूफ रखो, एक प्रूफ। जैसे कि मेरा मैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पा रहा हूँ, तो मेरे पास एक प्रूफ है कि मैं रिस्पॉन्सिव बना पा रहा हूँ, कि वो फ्री कोड कैंप का एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का सर्टिफिकेशन है। क्योंकि लाइक मेरे लिए तो किसी काम का नहीं, लाइक मेरे को आता ही है, बट जब HR देखता है तो हाँ भाई इसको लगता है कि इसके पास सर्टिफिकेशन है, इसको आता ही रहेगा, तो वो अप्रूव कर। लेकिन एक फाउंडर है जिसको बंदे की नॉलेज है टेक की, वो समझ जाएगा आपका रेज्यूमे देख के भाई ये सही है। बट एक नॉर्मल HR होते हैं कि हम जब भी अभी अप्लाई करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि MNC में कोई टेक्निकल बंदा बैठा रहेगा जो कि आपका रेज्यूमे चेक कर रहा है। एक थर्ड पार्टी HR भी हैंड ओवर कर देते हैं सब चीज़ों को ऑनबोर्डिंग का, क्योंकि उन्हें नहीं पता, वो लोग सिर्फ कर हायर करने के लिए, सो एक डिग्री है तो वो हायर कर दें, उन्हें लग रहा है क्या ही बोल रहे हैं, बट ये ट्रूथ है यार। अभी सब इतना ही देख लो गया, तो एक ग्रुप तो होना चाहिए, मत करो मतलब स्किल्स सीख लो, ये सर्टिफिकेट थोड़े बहुत जमा कर लो जिससे कि लगे हाँ भाई सही में इसको इंटरेस्ट है वर्क करने में IT में। एंड देन एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो अपना, अगर आप फ्रंट एंड पे हो या फिर बैक एंड पे हो, तो बैक एंड वाले तो केस स्टडीज भी कर सकते हैं, क्या बनाया, ब्लॉग लिख सकते हैं मीडियम पे, तो API बनाकर API अगर लाइव इधर डिप्लॉय कर पा रहे हो तो सही है। मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में बोल नहीं पा रहा, बट अगर डिप्लॉय कर सकते हो किधर दिखा शो करने के लिए, तो ओपन रख के डिप्लॉय कर दो अपना API एंड उसके बारे में केस स्टडीज करके दे सकते हो। UI/UX का भी सेम केस स्टडीज आप इससे बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हो, या फिर लिंकडिन पे लिख रहे हो तो लिंकडिन आर्टिकल्स भी होते हैं, मीडियम पर भी कर सकते हो। और सबसे भारी तो सबसे अच्छी चीज़ अगर तो आपके लिए Behance और Dribbble ही है, वहाँ पर आप करो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है एंड लोगों को चाहिए इंस्पिरेशन लेने, लोग वहीं पर आते हैं, तो अगर किसी को अच्छे आपकी अच्छी लगती है तो आपसे ज़रूर बात करेगा वो, तो वो जगह सही है UI/UX वालों के लिए, तो उस पर देखो। और अगर आप फ्रंट एंड पर मेरे से, तो डेफिनेटली आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसको आप पोस्ट कर सकते हो खुद के डोमेन पे, होस्टिंग का ले लो यार, होस्टिंग का सस्ता है वो सही है। एल्स अगर आपके पास मतलब स्टार्टिंग में वो भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो GitHub पेजेस होते हैं वो यूज़ कर लो, Netlify पे आप अपलोड कर सकते हो वो यूज़ कर लो, और वर्सल पे भी है, वर्सल पे अगर आप रिएक्ट या नेक्स्ट जैसे बना रहे हो तो वर्सल पे डिप्लॉय कर लो अपने प्रोजेक्ट्स, वो भी सही है। तो ये सब जगह पे आप अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हो, पोर्टफोलियो डिप्लॉय कर सकते हो, और अपने सारे जितने प्रोजेक्ट पे काम किए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट रहेगा ना लाइक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं कि एक ब्लॉग बनाया ब्लॉग 1 ब्लॉग 2 ब्लॉग 3 ब्लॉग 3 ऐसा नहीं, ब्लॉग बनाया तो एक ई कॉमर्स स्टोर बना लो, उसके बाद अगर LMS बना लो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना लो। हाँ टाइम लगेगा, सीखोगे आप बनाओगे तो डेफिनेटली एक वैरायटी दिखेगी जो खुद खुद का खुद इंटरेस्ट दिखाएगा आप पे। एंड जब कोई रियल टेक्निकल बंदा आपका इंटरव्यू लेगा ना, वो ये देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगा आपसे, एंड वो कोशिश करेगा कि जो बंदा डिग्री है एंड ये सब कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ नहीं है, सिर्फ डिग्री के ऊपर बता रहे हैं, और एक आप जिसने डिग्री तो नहीं है बस कुछ सर्टिफिकेट्स है जो कि वो खुद के दम पे सीखा है बंदा, एंड उसके बाद आपके पास इतना सारा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स है जो कि आप दिखा पा रहे हो कि मैंने ही किया है या फिर मेरे को इतना स्किल है इतना नॉलेज है, तो डेफिनेटली वो आपको चूज करेगा उस बंदे से ऊपर। तो अब आपको थोड़ा सेंस लग रहा रहेगा मेरी बातों का कि मैंने क्या बोला अभी तक, तो हाँ तो इसी तरह होता है चीज़ें, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए एक अच्छी जॉब लेने के लिए। देन आपको रेज्यूमे बना रहे हो
तो ठीक है बाहर में जाएगा बंदा, बट सबसे पहले तो रेज्यूमे पे ही आएगा। तो रेज्यूमे जितना छोटा शॉर्ट और लाइक मीनिंगफुल होना उतना सही है। तो अगर आपको पता करना है कैसा रेज्यूमे करना चाहिए, तो मेरा भी कोई बेस्ट नहीं है, मैं भी सीख ही रहा हूँ, बट मेरा जो इस वक्त का टेम्पलेट है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो रेज्यूमे होता है उसका फर्स्ट लाइक पहले कुछ लाइन में सिर्फ अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन एंड एक ईमेल, ये होना चाहिए। एंड अगर आपके पास कुछ पोर्टफोलियो है जिसकी मेरा है तो उसके बाद ही हो, लाइक ऊपर ऊपर ही, लाइक वो जब भी देखे तो उसे समझ जाएगा कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ मैं इसको ये सब जगह से, तो उसको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्टैक्ट नंबर एक सब, तो ये सही रहेगा। एंड देन उसके बाद अबाउट मी का सेक्शन होना चाहिए जिसमें आप 3 या 4 लाइन पे लिखोगे कि आप कौन हो, आप कैसे काम करना चाहते हो, या फिर आपको क्या क्या सीखने की इंटरेस्ट है। तो मेरा तो मैंने अपने बारे में बताया, मेरा एज 23 है एंड मैं मुझे रिएक्ट ये सब पसंद है एंड मैं इसी में करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद मेरे को वेब 3 में जाना है, तो और मैं वो सब सीख रहा हूँ, रोज रोज सीख रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही बताया। देन उसके बाद हमारे उसके ज़्यादा लाइक अभी मैं बताया कि वो एचआर हैंडल होना चाहिए थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, आपके डिग्री है तो डिग्री देखेंगे, नहीं अगर स्किल्स देखेंगे, अगर स्किल्स मैच कर दिया तो लोग आगे बढ़ेंगे। देन तो स्किल्स सेकेंड सेक्शन होना चाहिए, मतलब अबाउट मी के बाद सेक्शन होना चाहिए स्किल्स का, जिसमें आप कॉमा सेपरेटेड ज़्यादा स्पेस मत दो, कॉमा सेपरेटेड पे ही लिखो कि आपके क्या क्या स्किल्स है, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, React, React Native, ऐसा जो भी है। ये फर्स्ट लाइन में जो आपको कंफर्टेबल लगे, फर्स्ट लाइन में ही जो जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वर्क कर सकते हो तो उसको आपसे फर्स्ट लाइन पर लिखना। एंड पहले वो ख़त्म कर दो फर्स्ट लाइन पे, देन नेक्स्ट लाइन माने जरूरत नहीं है, उसी लाइन पे जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सब स्किल है मेरे को आती है थोड़ी बहुत, जैसे फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर हो गया, मेरे को इतना नहीं आता, बट ऐसा है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ खुद के लिए, कोई सिखा देगा तो मैं कर दूंगा, तो वैसा है। तो वो सब अपने नेक्स्ट टाइम पे स्किल्स जितने भी आपने एक्वायर किए वो लिख दो। इसके बाद आ जाएगा आपका एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपने कहाँ का काम किया है वो सब मेंशन कर दो, जैसे कि मेरा था पहले तो टॉनिक वर्ल्ड वाइड, तो टॉनिक वर्ल्ड वाइड कंपनी का नाम, देन लोकेशन थी मुंबई, मैंने किस डेट से किस डेट काम किया है, तो अगस्त 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक, तो ऐसे वन एंड ईयर, मंथ एंड ईयर पे मेंशन कर दो कि कैसे कितने टाइम पे काम किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, किस पोजीशन के लिए काम किया है वो भूलना मत भाई, वो हमेशा इम्पोर्टेंट है। जो मैंने जूनियर डेवलपर पे काम किया था एज अ फ्रंट एंड, तो वहाँ पर टारगेट जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर। एंड उसके बाद उस जॉब पे से आपने क्या चीज़ें सीखी और क्या किया, तो मैंने ऐसे 3 पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट आप मैक्सिमम 4 पॉइंट पे जा सकते हो, या फिर जितनी चीज़ें सीखी जा कम से कम वर्ड में, लाइक कम से कम स्पेस लेते हुए मेंशन कर दो 3 या 4 पॉइंट कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और आपने क्या किया। जैसे कि मैंने 1000 से भी ज़्यादा ईमेल्स बनाया, तो उससे मेरे को HTML के थ्रू ईमेल बना सकते हैं जिससे हम लाखों लोगों तक पहुँच सकें, तो वो चीज़ें सीखी। देन उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सीखी, तो मुझे रियल वर्ल्ड पे कैसा चीज़ें सी चल रहा है वो सब सीखा, एक ब्रांड कैसे वर्क करती है, तो उस SEO मतलब जो भी हम वेबसाइट बनाते थे HTML नहीं होता उस पर, ऑन पेज SEO होते, तो किसी एजेंसी थी तो वहाँ पर SEO के बारे में वो लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस थे, SEO पेज जो भी डेवलपमेंट करे वो SEO फ्रेंडली हो हमेशा, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस करते थे, मिनिमम लाइक जो भी वेबसाइट बना रहे हैं वो कम से कम जल्द से जल्द लोड हो, कम से कम साइज में हो, उस पर हम लोग बहुत ध्यान देते थे, तो वो सब चीज़ें सीखी वहाँ पर, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है चीज़ों को, SEO फ्रेंडली कैसे बनानी है, तो सब चीज़ें सीखी वो सब बता दूँगा। एंड उसके बाद फिर उसके बाद जो भी आपके जितने भी ऐसे एक्सपीरियंस हो, जितने भी आपने एक्सपीरियंस लिए तो वो सब कंपनीज के बारे में बता दीजिए, तो
फिर उसके बाद आपके होते हैं एजुकेशन, ज़्यादा नहीं, मेरा तो बस एक डिग्री है तो मैंने बस एक लाइन में ख़त्म कर दी, मैंने ये डिग्री की है कि इस कॉलेज से, मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो और मेरा सी जी पी ए ये था 8.4 जो कि बहुत कम है, एक अच्छे स्टूडेंट होना से ज़्यादा, बट मेरे को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके बाद आ जाएगा आपका सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स। तो अभी तक आपको जितने भी सर्टिफिकेशन मिले लाइक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेंशन है ना कि भाई ये बंदा सही में सीखने में इंटरेस्ट रख रहा है, इस बंदे को आता है चीज़ें, भले आपके पास एक्सपीरियंस ना हो बट आप सर्टिफिकेशन दिखाओगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट बनाया। सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट्स लाइक जो भी आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो प्रोजेक्ट दे के आपने सबमिशन करना, और प्रोजेक्ट भी मेंशन करो पोर्टफोलियो में, आप पोर्टफोलियो डिस्प्ले करो वहाँ पर, तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता चला कि आप कर रहे हो काम। लाइक जो दिखता है भाई वही दिखता है, तो सोच के वही है, दिखाओगे नहीं तो दिखोगे ऐसे। तो कौन दिखाओ सर्टिफिकेशन है अवार्ड जो भी मिला है, सेम जैसा एक्सपीरियंस बताया, 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करने हैं, क्या 1 या 2 पॉइंट में भी कर सकते हो सर्टिफिकेट में क्या किया आपने और इससे क्या होगा आपको, क्या चीज़ें सीखने मिली और क्या करने में कॉन्फिडेंट हो आप, तो वो सब है। और जितने भी स्किल्स हैं कोशिश करो वो सब के रिलेटेड सर्टिफिकेशन हो आपको, स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो अपने आपको, दैट्स इट। एंड अगर ये सब के बाद भी आप कुछ चीज़ें सीखना चाह रहे हो, इंटरेस्ट लग रहा है, तो लास्ट में आपका माय इंटरेस्ट एंड हॉबीज लाइक मुझे अगर ये सब करना है, मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, तो लिखो भाई वर्ल्ड ट्रैवल, क्योंकि कभी आपको ऑफिस में लाइक कुछ भेजना चाहते हैं बाहर तो शायद आपको प्रेफरेंस दे दे, क्योंकि आपको ऑलरेडी कर रहे हो आप, आपका यूट्यूब चैनल है तो मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मेरे को टीचिंग पसंद है वैसा, तो अगर कभी किसी को कुछ एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनानी है काम से बताओ भाई, बस इतना ही बोलूँगा, काम से बताओ, मेहनत करो आगे बढ़ो। तो अगर एक्सप्लेन करना पसंद हो आपको जो भी आता है चीज़ें वो आप, मेरे को एक्चुअली में पसंद आता हूँ तो वहाँ पर मैं मेटावर्स जो मैं फर्स्ट नंबर देता मतलब मेटावर्स के डिस्कशन होता था तो मैं चले जाता था, मेरा काम ही नहीं था वहाँ पर, बस ऐसे डिस्कशन में बैठ जाऊँगा। तो हाँ जब इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पर खुद ना खुद ध्यान जाता है, तो इसके लिए इंटरेस्ट बताया करो लास्ट महीने से, मेरे को ये इंटरेस्ट है ये सब सीखना होता, तो ऐसी तरह से अपना रेज्यूम बनाओ, पोर्टफोलियो डेफिनेटली बनाओ अपना, ज़्यादा नहीं अपने बारे में बताओ आपने क्या क्या किया, आपके प्रोजेक्ट्स जितने भी शोकेस कर दो, जैसे ब्लॉग डिस्प्ले करते हैं वर्डप्रेस पे बना दो यार, वर्डप्रेस पे भी बन जाएगा, तो कुछ पे बना के पोस्ट कर दो, नहीं है तो एचटीएमएल में बना लो यार, बस हो गया और क्या चाहिए, उनको बस दिखाने कि आपने क्या क्या किया है, प्रोजेक्ट बना लो और सारे के सारे लिंक होने चाहिए, एससीसीटी इमेज में डालना थोड़ा गंदा लगेगा। तो आपको कांटेक्ट करने का तरीका पोर्टफोलियो में भी, और उसको अगर एसईओ ऑप्टिमाइज कर पाए तो सर्च इंजन पे कोई ढूंढेगा ना आपको कि मुझे ये लोकेशन पे ये सब स्किल वाले बंदे चाहिए, तो शायद आपको गूगल से भी लोग ढूंढ पाए, तो आपको क्लाइंट ज्वाइन कर जाएगा क्लियर के लिए, जो कि मैंने किया था 2018 में या 19 में किया था और अभी भी कर रहा हूँ, तो मुझे भी मेरे क्लाइंट्स मैसेज मिलते हैं, तो अभी तो मैंने क्लाइंट्स लेना बंद किया है, ठीक में जॉब कर रहा हूँ, बट मैं चीज़ें सीख रहा हूँ तो फिर मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है बिल्कुल भी, तो करो ऐसा शायद अच्छा हो आपके लिए। थैंक्स, और अगर सही में चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करो और बने रहो भाई हमारे साथ, क्योंकि अगर वेब थ्री में जाना है तो भाई तुम सही काम एकदम सही जगह पे हो, बस बने रहो एंड धीरे धीरे जा रहे हो।